देखो बच्चों, अभी सेकेंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, पहले प्रॉब्लम में हमने क्या कौन सा इक्वेशन यूज़ किया, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। उसमें रिटार्डेशन के बारे में अपने को मालूम हो गया। रिटार्डेशन के में क्या होता है, एक्सेलरेशन कभी भी नेगेटिव आया, जब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ गया तो उसको हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। ओके, और उसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हमने दो फार्मूलेज यूज़ किए हैं काइनेटिकल इक्वेशन के। पहला है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और दूसरा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो ये दोनों काइनेटिकल इक्वेशन से हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पहला वाला सॉल्व किया था। अभी दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं, ये भी पहले समझ लो। ए स्टोन थ्रोन वर्टिकली अप, ए स्टोन थ्रोन वर्टिकली अप इज़ बैक इन द हैंड्स ऑफ ए ऑफ द थ्रोअर एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड। इसका मतलब क्या है लाइन का, ए स्टोन थ्रोन वर्टिकली अप। क्या किया, एक आदमी, एक लड़के ने स्टोन को, पत्थर को ऊपर फेंका, और ऊपर फेंकने के बाद फिर से उसने अपने हाथ में कैच किया। ओके, ऊपर फेंकने के बाद वापस उसके हाथ में कब आ रहा है, उसके कितने एंड के बाद, 4 सेकेंड के बाद। क्वेश्चन अभी ज़रा ध्यान से सुनो, ए स्टोन थ्रोन वर्टिकली अप इज़ बैक इन द हैंड्स ऑफ थ्रोअर। ओके, जो थ्रो कर रहा है उसके हैंड में वापस आ गया, कब आया वो वापस, एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद उसके हाथ में वापस आ गया। इफ जी एट द प्लेस इज 9.8 मीटर पर सेकेंड, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना बोला हुआ उन्होंने, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ व्हाट, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ थ्रो एंड द ग्रेटेस्ट हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। इसका मतलब क्या है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ थ्रो एंड द ग्रेटेस्ट हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। तो उन्होंने क्या बोला हुआ है कि जब वो फेंक रहा है ऊपर तो उसका वेलोसिटी कितना है, और सेकंड थिंग पूछा है कि कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा स्टोन, स्टोन कितना मैक्सिमम हाइट तक आएगा, ग्रेटेस्ट हाइट तक उन्होंने पूछा हुआ है। ओके, तो ये क्वेश्चन फिर से और एक बार समझ लो। एक लड़का है, उसने क्या किया, पत्थर लिया छोटा सा और उसको ऊपर फेंका, स्ट्रेट लाइन में ऊपर फेंका। ऊपर जब वो जा फेंक रहा है तो ऊपर जाके वापस रिटर्न आता है वो, तो रिटर्न कितने टाइम में आ रहा है, 4 सेकेंड में आ रहा है। अब इधर फर्दर क्या बोला हुआ है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना दिया है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। ओके, उसका जो एक्सेलरेशन है ए इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द थ्रो, कितने स्पीड से स्टोन को थ्रो किया था और वो उसका मैक्सिमम हाइट कितना था, ये फाइंड आउट करना। अब देखो, जब हम ऊपर फेंक रहे हैं किसी भी चीज़ को तो जिस डिस्टेंस से वो ऊपर जाएगा उतना ही डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा नीचे आने के लिए। ऊपर जाएगा हाइट से और एक हाइट के बाद फिर से रिटर्न आएगा। तो क्या हो रहा है, जब भी कोई पत्थर हम ऊपर फेंक रहे हैं तो उसका वेलोसिटी कहाँ पर ज़्यादा रहेगा, हाथ से छूटते समय में उसका वेलोसिटी क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। मगर जैसे जैसे ऊपर जा रहा है उसका स्पीड क्या हो जाएगा, कम होगा। कम क्यों होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ क्या कर रहा है, उसको अपनी तरफ खींच रहा है। विथ व्हाट एक्सेलरेशन इट इज़ पुलिंग, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब वो पत्थर को नीचे खींच रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो पत्थर का स्पीड क्या होगा, डिक्रीज होते हुए जाएगा, और डिक्रीज होते हुए जाने के बाद एक पॉइंट पर पहुँचने के बाद उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और जब वेलोसिटी ज़ीरो होगा तब वो पत्थर क्या करेगा, नीचे गिरना शुरू होगा। अब वो नीचे जब गिर रहा है तो किस फोर्स से गिर रहा है, किस एक्सेलरेशन से गिर रहा है, वो गिरेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे गिरेगा। ओके, तो जब वो ऊपर जा रहा है और ऊपर जाके सेम डिस्टेंस ट्रैवल करके नीचे आ रहा है, अभी इस क्वेश्चन में क्या बता दिया है, वो बॉल ऊपर गया और फिर रिटर्न आया, तो रिटर्न आने के बाद कितना टाइम लग रहा है उसको, 4 सेकेंड। मतलब ऊपर जाते समय में उसको कितना सेकेंड लग रहा है, 2 सेकेंड, और नीचे आते समय में कितना लग रहा है, 2 सेकेंड। तो टाइम इधर क्या हो गया, जिसको हम टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं और टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं। जो टाइम ऊपर जाने के लिए लगता है उसको कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट, और जो टाइम नीचे आने के लिए लगता है उसको कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। कभी भी एक चीज़ याद रखना, जब भी कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो जितना टाइम उसको लगेगा ऊपर जाने के लिए उतना ही टाइम उसको लगेगा नीचे आने के लिए। ये कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का।
कि टाइम ऑफ एसेंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो अगर उसको बॉल जब हम पत्थर जब हम ऊपर फेंक रहे हैं तो ऊपर जाके रिटर्न आने तक उसको कितना टाइम लग रहा है, 4 सेकेंड लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ऊपर जाने के लिए 2 सेकेंड और नीचे आने के लिए 2 सेकेंड लग रहा है। तो टाइम इधर हम क्या कंसिडर करेंगे, 2 सेकेंड टाइम होगा। ओके, और एक है, जब हम पत्थर को ऊपर फेंकते हैं तो ऑलरेडी हमने थ्योरी में पढ़ लिया कि व्हेन द बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड डायरेक्शन तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। क्यों, क्योंकि जब हम ऊपर फेंक रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या करेगा, उस स्टोन को नीचे खींचने का कोशिश करेगा। सो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस होगा, -9.8। ओके, और इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा, यू, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। क्यों रहेगा, क्योंकि जब वो ऊपर जाने जब जाएगा तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होते जा रहा है, और फाइनल में एक पॉइंट पे आने के बाद फाइनल वेलोसिटी उसका क्या हो जाएगा, 0। जब फाइनल वेलोसिटी 0 होगा तब वो स्टोन नीचे गिरना शुरू होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी यू है, फाइनल वेलोसिटी कितना है, वी है, इज इक्वल टू 0 है। तो फाइनल वेलोसिटी अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मेरे पास फार्मूला क्या है, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ओके, मैं कौन सा इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ, अभी फार्मूला कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी। अभी तुम बोलोगे सर यही क्यों फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, दूसरा क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं ले रहे हैं दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि दूसरे फार्मूले में क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर हो रहा है, वो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। और तीसरे इसमें वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो उधर भी टाइम नहीं दिया हुआ है, तीसरे इक्वेशन में टाइम है ही नहीं, मगर यहाँ पर क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में v इज इक्वल टू यू प्लस एटी है। तो v का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0। u का वैल्यू कितना है, u वी हैव टू फाइंड आउट। a का वैल्यू कितना है, माइनस ऑफ 9.8 इंटू t कितना है, 2। क्लियर हो गया। सो ये क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 इज इक्वल टू यू माइनस 19.6। अभी माइनस को उस तरफ भेजेंगे तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा, 19.6 मीटर पर सेकेंड। u इज़ व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 19.6 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब वो स्टोन को ऊपर फेंक रहा था तो उसका वेलोसिटी कितना था, 19.6 मीटर पर सेकेंड। अभी वो मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, अब मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास फार्मूला क्या है, टू कैलकुलेट द हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, मैक्सिमम हाइट रीच इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस जो है ट्रैवल्ड इन टू सेकेंड में। सो कौन सा फार्मूला आ जाएगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ए की जगह में इधर क्या लिखेंगे हम, जी। तो एस इज इक्वल टू यू का वैल्यू कितना निकाला हमने, 19.6, टी क्या है, 2 प्लस हाफ 9.8 इंटू 2 का स्क्वायर। सो हाँ, इधर ये जी का वैल्यू कितना है, माइनस है, तो ये -9.8। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, -39.2 माइनस ऑफ 9.8 डिवाइडेड बाय 2 है, तो कितना हो जाएगा वो, 2। हाँ, ये 2 के साथ क्या होगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 9.8 इंटू 2। सो 39.2 माइनस 19.6 इज इक्वल टू 19.6 मीटर। तो कितना डिस्टेंस, हाइट कितना जाएगा, वो मैक्सिमम हाइट 19.6 मीटर तक मैक्सिमम हाइट जाएगा जब वो स्टोन को हम ऊपर फेंकेंगे थे। ओके, तो इस तरह से ये दूसरा प्रॉब्लम खत्म हुआ, और एक बार इसको समझ लो अच्छी तरह से, और कुछ डाउट हैगा तो पूछ लो।